नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट देख रहे हैं आपके साथ, मैं हूं लक्ष शर्मा। अगर आपको धुलाई करानी है तो आप वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल मत कीजिए, आप कीजिए भारतीय गेंदबाजों का इस्तेमाल, क्योंकि वो धुलाई बहुत अच्छे से करवा लेते हैं। वो धुलाई इतने अच्छे तरीके से करा लेते हैं कि आपको मन मर्जी का रिजल्ट देंगे। धुलाई आप उनकी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जिस हिसाब से वो अपनी इस समय लैद दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि भैया आइए मारिए और धुलाई कीजिए। तो इसीलिए मैंने ये थंबनेल दिया है, इसलिए हमने ये थंबनेल दिया है फॉर धुलाई कॉन्टैक्ट अस। अस मतलब भारतीय गेंदबाजों की मैं बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मैच में जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि यार भैया हम कितने अच्छे तरीके से रन लुटा सकते हैं, इतना तो शायद मुझे लगता नहीं कोई दुनिया का भी कोई दूसरी टीम होगी। दीपक चाहर, सिराज, हर्षल पटेल के बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले दीपक चाहर, चार ओवर में 40 से ज्यादा रन, सिराज 4 ओवर में 44 रन, हर्षल पटेल हमारे टीम इंडिया के डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट, आईपीएल में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अभी तो भैया परेशानी है, 4 ओवर में 49 रन दे दिए। इसके अलावा उमेश यादव 3 ओवर में 34, चलिए ठीक है उनको तो वर्ल्ड कप में वैसे भी ज्यादा मैचे खेलने नहीं है, खेलना ही नहीं है उनको, ये छोड़िए। उसके बाद अश्विन को भी ले जा रहे हो, अश्विन भी पिट रहे हैं, अक्षर पटेल से आपने 1 ओवर कराया, तो भैया चाह क्या रहे हो आप, आपका वो क्या है, आपका मोटो क्या है, आप करना क्या चाह रहे हो, वर्ल्ड कप ऐसे जीतना चाहते हो आप? तो इस जन्म हो गए, वो कहते हैं ना जन्म वाली बात है, इस मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे, इस गेंदबाजी के साथ आप जीत पाओगे, साउथ अफ्रीका की इस बल्लेबाजी ने आपका ये हाल कर दिया। तो आप सोचिए जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आपको जब मारने पे आएगा तो भूत बना देगा मार मार के। इन्होंने तो थोड़ा सा रहम खा लिया रोसो ने, लास्ट ओवर जो 19वां ओवर था उसमें 12 रन आ गए, उसमें भी अगर वही 20-25 रन बनते तो 200-250 तक का स्कोर पहुंचना था। तो भारतीय गेंदबाजों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हार की मेन वजह गेंदबाज है इस मैच में, सभी को पता है 227 रन उन्होंने बना दिए, तो आप सीधी सी बात समझिए कि किस कदर पिटाई खाई होगी, और सबने पिटाई खाई है। एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जो कहे कि यार ठीक है आज सबका बुरा दिन है, आज मैं आगे आता हूं, लीड ऑफ द फ्रंट करता हूं, लेकिन कुछ नहीं था ऐसा, सबने कहा मारो भैया सब मारो। लेकिन इस बात से गेंदबाजों के प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये गेंदबाजी अटैक, क्या बुमराह के बिना टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के सपने देख सकती है इस गेंदबाजी अटैक के सामने? मुझे तो नहीं लगता। कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है तो जरूर बताएं। इसके अलावा दीपक चाहर भी आज पिटे, डेथ बॉलिंग के बारे में आप कहेंगे? क्या हर्षल पटेल और मौके देना चाहेंगे? वैसे मौके हैं नहीं, लेकिन क्या उनके ऊपर अभी भी विश्वास जताएंगे, या आपको लगता है कि अब जो भी ऑप्शन है, लेकिन जो भी ऑप्शन है उनमें से अच्छे एक भी मुझे तो नहीं लग रहे हैं। कम से कम भूवी अब याद आ रहे होंगे आपको, भूवी वो पिटते थे लेकिन एक उम्मीद तो थी, लेकिन हर्षल पटेल जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इतनी धुलाई अगर ऐसी होगी तो, और आप सोचिए ये मुकाबला सेमीफाइनल का होता तो एक पारी के बाद ही हाथ खड़े हो जाते ना। हार के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है सीरीज जीत ली है कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी टीम नहीं है साउथ अफ्रीका है, इतनी मजबूत टीम भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को हराया आपकी एक उपलब्धि है, इंग्लैंड आएगा हराओगे तो समझ में आएगा, साउथ अफ्रीका को अपने घर में हराना इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इस हार के बाद सीरीज साउथ अफ्रीका वाले जरूर हारें, लेकिन दिल आज उन्होंने पूरा जीत लिया है। टीम इंडिया की हार के बारे में और वर्ल्ड कप के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।